अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरजे एंटरटेनमेंट। सो फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ डी गॉड फार्म पे। आप देख सकते हैं, बैनर देख के ही समझ सकते हैं, डी गॉड फार्म पे। और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा फार्म और बहुत ही अच्छे बकरे हैं। अभी हम बात करेंगे दानिश भाई से, क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, और पूरी डिटेल्स लेंगे कहाँ पे है, सब बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही अच्छा वीडियो है, इंशाल्लाह लास्ट तक ज़रूर देखें। पूछ बोलना सही होएगा। अस्सलामु अलैकुम दानिश भाई। वालेकुम अस्सलाम फारूक भाई, वेलकम टू मुंबई। वेलकम टू मुंबई एंड वेलकम टू डी गॉड फार्म। सो दानिश भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है भाई। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारे फार्म पे घुमा हूँ, मुंबई के फार्म पे घुमा हूँ, राजस्थान के फार्म पे तो घुमा ही हूँ, लेकिन आज दिन तक इतने सारे एक साथ अंडुल मैंने कभी नहीं देखे। ये आपका शौक है या जज्बा है कि ऐसा है कि ये तो सबसे पहले शौक है जी, और अंडुल का ही शौक है शुरू से जी। जब से हम लोगों ने होश संभाले, बकरे पाले, तब से अंडुल ही पाले जी जी। और जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं जी, वो हमारी तरह ही है, मतलब पागल अंडुल शौकीन। हाँ हाँ। तो जैसे कस्टमर्स है, जैसे हम लोग है, वैसे बकरे हमारे पास है जी जी। माशाल्लाह बकरे तो मैंने देखे एक से बढ़ के एक, और खस्सी तो बिल्कुल भी मुझे देखने को नहीं मिला है। कुछ कुछ है खस्सी जी, अंडुल के बीच में अंडुल ही दिख रहे हैं। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है आपके ये फार्म का? मेन कॉन्सेप्ट अपना पलाई है। पलाई है फर्स्ट जी, सेकंड प्रेफरेंस अपना ट्रेडिंग है जी जी। ब्रीडिंग सेटअप वगैरह नहीं? ब्रीडिंग ऐसा कुछ खास सेटअप नहीं है, जो अपने पसंदीदा बकरे हैं पुराने उनकी ब्रीडिंग करते हैं, चलाते अपने घर के लिए यूज करते हैं जी। प्रोफेशनल ब्रीडिंग सेटअप नहीं है जी, सिर्फ पलाई का मेन काम है अपना, बकरे तैयार करना जी और बकरे बेचना जी जी। और एक सवाल, आप राजस्थान में भी आए, वहाँ पे वीडियो नहीं बना पाया मैं क्योंकि आपके पास भी टाइम बहुत कम था। राजस्थान जाके आपको कैसा लगा, वहाँ के ब्रीडिंग सेटअप कैसे लगे? भाई राजस्थान तो देखो, माइंड में तो यही रख के गया था राजस्थान जा रहे हैं। राजस्थान मतलब इंडिया की सबसे बड़ी जगह जहाँ पर बकरे पालते, तो बकरे तो वहाँ अच्छे ही लगने हैं, मतलब उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है राजस्थान का जी। बस एक चीज वहाँ की सबसे अच्छी लगी, वहाँ के लोग जी, जैसे आप, आपके अब्बा और भी बहुत सारे लोग, इमरान भाई नागौर वाले और भी बहुत सारे लोग, जहाँ जहाँ मैं आपके डैडी के साथ में गया, माशाल्लाह हर जगह इज्जत मिली, हर जगह मेहमान नवाजी मिली, हर जगह लोगों ने मतलब अप्रिशिएट किए कि हमारे फार्म पे भी आओ जी। और जो कुछ भी हम लोगों ने खरीदी भी की है तो उसमें भी माशाल्लाह सेटिस्फेक्शन मिला, तो बहुत अच्छा लगा जाके, मतलब ऐसा लगा कि हाँ जाना वर्थ हुआ, और जाके ऐसा लगा कि हर साल आना चाहिए जी जी। माशाल्लाह अच्छा लगा राजस्थान जी जी। ये अपनी फर्स्ट ब्रांच है ना, सेकंड ब्रांच जी जी, वहाँ पे सेकंड ब्रांच पे भी पलाई का ही कॉन्सेप्ट है? हाँ, सेकंड ब्रांच पे भी पलाई जी जी, वहाँ पर भी लगभग 100 के ऊपर बकरे हैं जी, और यहाँ पर भी 200-250 पालते हैं, ज़्यादातर अंडुली। अच्छा, खस्सी का अभी बहुत कम है? खस्सी का ऐसा है ना कि फिलहाल मेरे पास ये समझ के चलो कि 250 बकरों में 50 बकरे खस्सी है जी जी। दानिश भाई, तो यहाँ पे पलाई का क्या रेट है अंडुल का, खस्सी का? हमारे यहाँ पे पलाई का रेट 3,000 जी, 3,500, 2,500। 2,500 में छोटे बकरे रखते हैं हम लोग जी, 3,000 रुपए में मीडियम बकरे जो आते हैं 50-60 किलो के, वो 80 हाँ। किलो के ऊपर का बकरा हम लोग 3,500 रुपए रखते हैं। अच्छा, अच्छा, देखो आप पूछ रहे थे खस्सी नहीं है, देखो ये हमारे खस्सी है माशाल्लाह, खस्सी भी तैयार की है सेल्फ फीडिंग पे माशाल्लाह, एक नंबर खस्सी बकरे है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के खस्सी है। इधर सब अंडुल भरे सब, एक से बढ़ के एक बकरे हैं माशाल्लाह, सारी ब्रीड लगभग लगभग सारी ब्रीड, और सारी ब्रीड में भी मतलब एकदम एंटिक एंटिक चीज, बहुत ही माशाल्लाह, बहुत ही नायाब चीज। माशाल्लाह इधर तो सब हथियार से भरा हुआ है फारूक भाई, ये अपना असली शौक है जी जी।
अपने शॉप की शुरुआत भी इसी से भी है, यही अपना मेन शॉप यही है जी। और ये बकरे आपको इतने सारे ये नस्ल के ये क्वालिटी के किसी फार्म पे शायद कहीं भी नहीं मिलेंगे पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया में तो भी मेरे पास मैंने कम रखा हूँ जी। ये जितनी बड़ी जगह है यहाँ पर यही सारे बकरे थे ज्यादातर जी जी जी। मतलब एकदम ये काम बहुत टफ काम है भाई, इसको संभालना एक तरीके से बहुत मुश्किल है। राजस्थान में आपके यहाँ पर 100 बकरे संभालने के लिए कितने आदमी लगते? एक आदमी लगता है हमारे यहाँ। 100 बकरे संभालने के लिए कम से कम 4 से 5 आदमी, 4 से 5 आदमी लगते हैं। बकरे वैसे जाली में जी जी, कभी सिंग टूटने का डर, कभी कुछ होने का डर। देखो हम लोग इतना प्रिकॉशन करते हैं ताकि ये सब चीजें नहीं हो जी जी। और इंशाल्लाह आप लोगों से खस्सी का तो काम हम लोग कर ही रहे जी जी। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये नस्ल हम लोग राजस्थान में देंगे जी जी। इंशाल्लाह ब्रीडिंग करना हम लोग खरीदेंगे इंशाल्लाह भाई, जरूर जरूर। तो अल्लाह ने चाहा तो अगले साल मैं यूट्यूब के लिए एक वीडियो बनाने आऊंगा, बरकत प्लेटफॉर्म पे एक सानिन का जोड़ा मेरी तरफ से रहेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ब्रीडिंग करना जी जी। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इजाज़त दी वीडियो बनाने के लिए। सो थैंक यू, ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।